सर्दी का अत्याचार, कापा दिल्ली एनसीआर, धर्मशाला नैनीताल से भी ज्यादा ठंडी दिल्ली, राजधानी में कोहरा, शीतलहर का डबल अटैक, दिल्ली में ठंड से होगा नए साल का स्वागत, राजधानी में सर्दी का सितम। देश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड ठंड लोगों का इम्तिहान ले रही है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली में नए साल से पहले मौसम ने ऐसी करवट ली है कि लोगों का अपने घरों से निकलना मुहाल हो गया है। हवाओं में ऐसी सनसनी है कि पूरा बदन दर्द से सिहर जा रहा है। घने कोहरे और बर्फीली हवाओं के आगे क्या इंसान क्या जानवर सब बेबस है। घने कोहरे और शीतलहर ने पूरे उत्तर भारत को जकड़ रखा है। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी जारी है। विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई है। दिल्ली का तापमान धर्मशाला नैनीताल और देहरादून जैसे ठंडे शहरों से भी नीचे पहुंच गया है। मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है, जबकि हिमाचल के धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री, देहरादून में 7 डिग्री सेल्सियस और नैनीताल में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में घना कोहरा देखा गया। मंगलवार को हरियाणा में नारनौल 1 डिग्री सेल्सियस तापमान से ठिठुर गया। पंजाब के बठिंडा में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में घने कोहरे के कारण दिल्ली से आने और जाने वाली उड़ान सेवा और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो 25 और 26 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब और हरियाणा में अगले 3 से 4 दिन तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बर्फीला तूफान अमेरिका के लोगों पर मुसीबत बनकर टूटा है। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। तूफान और बर्फबारी, यूएस पर आफत भारी। बर्फीले तूफान से त्राहिमाम, 60 लोगों की गई जान। जम गए झरने, फंस गए लोग। अमेरिका पर बर्फीला अटैक। पूरा अमेरिका इन दिनों सफेद आफत से घिरा हुआ है। बर्फीली आफत से लोग इस कदर परेशान हैं कि वो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, और जो घरों से निकलते हैं वो बर्फीली आफत में फंस जाते हैं। अमेरिका से आए इस बर्फीले तूफान से पश्चिमी न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। भारी बर्फबारी की वजह से पूरे देश में 60 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें न्यूयॉर्क के बफेलो की है। यहां कारों के अंदर से कई लोगों के शव बरामद हुए हैं। न्यूयॉर्क के ज्यादातर इलाकों में ड्राइविंग पर रोक हटा ली गई है, लेकिन बफेलो में अभी भी ड्राइविंग पर रोक लगी हुई है। अब अमेरिकी शहर टेनेसी की इन तस्वीरों को देखिए। भारी बर्फबारी और तूफान के कारण नदियों का पानी जम गया है। टेनेसी की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले झरने गायब हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फीले तूफान से लोगों की परेशानियां बढ़ाती ये तस्वीरें अमेरिका के ऑस्टिन एयरपोर्ट की हैं।
क्रिसमस पर निकले हजारों यात्री अभी तक अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाए हैं। हर तरफ लोगों के बैगेज दिख रहे हैं, कई एयरपोर्ट्स पर सामान चोरी होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बर्फीले तूफान में बेबस अमेरिका में तुरंत राहत के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने एरी काउंटी में आज भी 2 इंच से ज्यादा बर्फ गिरने का अनुमान जताया है। आने वाले दिनों में अमेरिका में हालात और खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।